हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तन्वीर। आज हम इस जैकेट का थर्ड पार्ट लेके आए। दो पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिए एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करना आप बाद में भूल जाते हैं। इस जैकेट को मैंने बहुत ईजी पैटर्न पर बनाया है, अगर आप बिगनर हो तब भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। आई होप कि आपको ये जैकेट पसंद आई होगी, क्योंकि इसको बिल्कुल मैंने न्यू पैटर्न पर बनाया। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना इजहार ज़रूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं कर देती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमने शोल्डर ऐड कर लिया है। अब देखिए यहाँ नीचे बॉर्डर पर हम ये कॉफ़ी कलर से बनाएंगे और यहाँ हम 4 mm की क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो हमने नीचे बॉर्डर 4 mm से बनाया तो उसी से बनाएंगे। ये देखिए हमने स्लिप नॉट यहाँ पहले ही लगा लिया है। देखिए इस चेन पे क्रोशिया डालेंगे, ये स्लिप नॉट जो है यहाँ से ये लूप निकाल लेंगे। एक दो तीन चार चेन बनाएंगे और यान को दो बार ओवर करना है। दो बार ओवर करेंगे, क्रोशिया को आगे से डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, दो लूप से निकालेंगे, फिर दो लूप से दो लूप से तीन टाइम निकालेंगे। देखिए हम इस कलर से, अब जैसे हमने यहाँ ऊपर बनाया था बटन पट्टी बनाएंगे, फिर बाद में चार बैक पोस्ट चार फ्रंट पोस्ट पूरे में बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे ये इस नीचे भी बनाएंगे। हम इसे तीन रो बनाएंगे, आप चार पाँच रो जितने रो बनाना चाहें बना सकते हैं इसको। ये देखिए इस कलर से हमने ट्रिपल क्रोशिया के तीन रो कंप्लीट किए हैं। इसको हमने तीन रो कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ लास्ट में ये, तो अब देखिए इससे हम बना रहे थे, अब हम 3.75 mm से बनाएंगे, इससे बनाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पे बनाएंगे पहले दो चैन, एक और दो, दो चैन बना के अब देखिए हमें ये बटन पट्टी पर आउटलाइन करना है, ये इसके ऊपर बनाना है। ये बटन पट्टी है सामने, इस पर बनाना है। तो देखिए दो चैन बनाने के बाद देखिए यान को ओवर करेंगे और देखिए इसी में क्रोशिया डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके तीनों लूप को एक साथ निकाल के देखिए यान को ओवर करके ऐसे करेंगे। ये तीन लूप है, तीन लूप को एक साथ निकालेंगे, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो हमें देखिए ये देखिए दो चैन बना के तीन दो हाफ डबल क्रोशिया, ये तीन एंड ये चार हैं। अब ये ट्रिपल क्रोशिया है, इस पर भी चार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार। ये भी ट्रिपल क्रोशिया है, इस पर भी चार बनाएंगे, एक दो तीन चार। यानी सभी ट्रिपल क्रोशिया पे हम चार चार को बनाएंगे, एक दो तीन चार। तो हम यहाँ पूरे सभी पे हम चार चार डबल क्रोशिया बना लेते, फिर दिखाते हैं। अब देखिए ये डबल क्रोशिया की लाइन है, ये डबल क्रोशिया की लाइन है, तो इस पे भी तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन। ये भी डबल क्रोशिया की लाइन है, एक दो तीन। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया की लाइन है, तो ये देखिए इसमें हम एक बनाएंगे, ये एक हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया की लाइन शुरू है और यहाँ से हम 9 नंबर से बनाएं, तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए एक और दो, दो हाफ डबल क्रोशिया, इस पर भी दो, एक और दो। तो यहाँ पर हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, तो सभी पर हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, एक और दो। तो यहाँ हम सभी पर दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे पूरा। यहाँ देखिए ये देखिए पूरा ऐसे फ्रंट से लाते हुए, ये देखिए ये नेक पर बनाएंगे, नेक से देखिए ये बैक साइड से आते हुए, ये देखिए इस साइड हम फ्रंट पे आके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक करेंगे सिंगल क्रोशिया पर, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया सिंगल पे बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने 4 mm से बनाया, तो इस पर भी तीन बनाएंगे, इस पर भी तीन बनाएंगे, फिर यहाँ नीचे चार चार बनाएंगे सभी पर।
ये देखिए पूरे बटन पट्टी पर हमने ये बना लिया हाफ डबल क्रोशिया पूरा। लास्ट में देखिए, लास्ट वाले में हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए इस चैन पर, लास्ट में इस चैन पर हम लास्ट वाले चैन पर इस पे हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह ये बराबर हो गया। अब यहाँ से एक चेन बना के इसे हम ये कट कर देंगे। ये देखिए पूरे बटन पट्टी पर ये हमने बना लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे लगाने के लिए हम ये चोटी बनाएंगे। चोटी हम इस कलर से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले एक बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हम सिर्फ एक ही चेन बनाएंगे, इसको लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद इतना लूज करेंगे कि जैसे हमारा 3 चेन, इतना स्पेस होना चाहिए। अब यार्न को ओवर करेंगे, इसमें 2 टाइम और निकालेंगे, 1 और 2, 2 टाइम, और ये सारे लूप को एक साथ निकाल के एक चैन बनाएंगे। फिर यार्न को ओवर करेंगे, इसी चैन में क्रोशिया डालेंगे और 3 टाइम निकालेंगे, 1 2 3, 3 चैन, 3 टाइम निकाल लिया। अब इसको सारे लूप को एक साथ निकाल के एक चैन बनाएंगे। ओके, एक चैन और बना के देखिए, इसमें ये जो एक चेन बनाया था इसके अंदर एक स्लिप स्टिच, फिर ऐसे लूज करेंगे इसको। इतना लूज करने के बाद 2 टाइम निकालेंगे, 1 2, 2 टाइम निकालने के बाद सारे लूप को एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर यार्न को ओवर करेंगे, इसमें से हम फिर 3 टाइम निकालेंगे, 1 2 एंड ये 3, 3 टाइम निकालने के बाद सारे लूप को एक साथ निकाल के एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के इसमें एक स्लिप स्टिच, फिर इसको हम लूज करेंगे और 2 टाइम निकालेंगे, 1 और 2, 2 टाइम निकालने के बाद सारे लूप को एक साथ निकाल के एक चेन बनाएंगे। फिर यार्न को ओवर करेंगे, इसमें से हम 3 टाइम निकालेंगे, 1 2 3, 3 टाइम निकालने के बाद सारे लूप को एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर इस साइड से एक चेन बना के इस एक चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच। तो इसको हम कार्डिगन के चौड़ाई के हिसाब से हम पूरा उतना लेंथ उतनी बना लेंगे पूरा लंबा, फिर उसके आगे हम दिखाते हैं। ये देखिए कार्डिगन के चौड़ाई के बराबर हमने ये बना लिया है, ये बना लिया। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में ये देखिए हमने 2 पफ बना लिया। अब देखिए ये इस सारे लूप को एक चेन यहाँ बना के, एक चेन बनाने के बाद ये हम ये इधर इस वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये एक चेन बना के यहीं से कट कर देंगे। देखिए इसको फ्रंट की साइड ऐसे रख के देखिए ये अब क्या करेंगे। ये देखिए इसमें देखिए इस चोटी को हम यहाँ पर ऐसे देखिए, ये बटन पट्टी हम छोड़ देंगे। बटन पट्टी छोड़ के यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। ये नीडल में हमने थ्रेड डाल दिया है ये, और हम इसको जो यहाँ से ऐसे ये ऐसे करके इसको अंदर की साइड कर देंगे। ये ऐसे यहाँ से करके देखिए ये ऐसे करके देखिए, अब इसको यहाँ डालेंगे क्रोशिया, ये नीडल ऐसे डाल के ये ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके ये निकाल देंगे, फिर ऐसे करके ये निकालेंगे।
ये देखिए ऐसे करके पूरा हम इसको इसी तरह हम टाके लगा लेंगे। तो इस तरह हम पूरा टाके लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे में हमने ये लगा लिया, पूरा लगा लिया। अब देखिए हम यहाँ देखिए आउटलाइन बनाएंगे, ये बटन पट्टी के किनारे इस पे डिज़ाइन के किनारे यहाँ आउटलाइन बनाएंगे। देखिए ये आउटलाइन बनाएंगे तो देखिए हम यहाँ क्रोशिया देखिए इसमें देखिए इसी जहाँ से ये देखिए बटन पट्टी के किनारे पर हम ये देखिए ये डालेंगे यहाँ पर। ये लूप जो है एक स्लिप नॉट बना लिया, ये लूप जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। या आप किसी भी नंबर क्रोशिया से बना लें, अगर आपको ढीला बनाना है तो इसे 4 mm से बना लें, नहीं तो 3.75 mm से बना लें, किसी से भी बना लें। ये यहाँ इस बनाने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दो चैन बना के दो चैन बना के देखिए जो ये ऊपर वाला है इसमें एक स्लिप स्टिच, एक दो चैन बनाएंगे। ये देखिए दो चैन बनाने के बाद ये इसके ऊपर वाला है, ये देखिए ये इसके ऊपर बटन पट्टी के देखिए ये ऐसे है, तो इसमें ऐसे करके इससे ऐसे करके डालेंगे इसमें एक स्लिप स्टिच, एक दो चैन बनाएंगे। देखिए अब इसके ऊपर ये वाला रो है, ये रो है, इस पर एक स्लिप स्टिच, एक दो, देखिए इसके ऊपर ये रो है इसमें एक स्लिप स्टिच, यानी हर रो पे एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये एक दो, ये देखिए और बटन पट्टी के किनारे से बनाना है। ये देखिए ये बटन पट्टी देखें यहाँ पे ये बैक पोस्ट है, तो इसके बगल ये यहाँ से डिज़ाइन शुरू हुई, तो ये देखिए इसमें हम क्रोशिया डालेंगे यहाँ से एक स्लिप स्टिच, एक दो, देखिए ये यहाँ से देखिए ये देखिए बटन पट्टी के ठीक बैक पोस्ट के एकदम बगल एक स्लिप स्टिच। तो ये पूरे में हम इसको बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा जो है ये देखिए नेक पर भी हमने पूरा बना लिया, ये देखिए ये नेक पर ये पूरे में हमने बना के ये देखिए ये पूरे में बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट में देखिए ये लास्ट में देखिए ये देखिए दो चैन बना लिया। अब देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, इस डबल क्रोशिया पे क्रोशिया डालेंगे यहाँ से ऐसे करके डालेंगे यहाँ से ये एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, एक चैन बना के यहीं से हम कट कर देंगे। करने के बाद इसको जो है हम ये देखिए पूरी बटन पट्टी बन के रेडी हो गई। अब हम जो है आर्म होल बनाएंगे, ये देखिए ये आर्म होल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने एक दो डिज़ाइनें हमने छोड़ दी हैं, यहाँ आर्म होल के लिए दो छोड़ी थी, तो ये बीच में जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ हमने स्लिप नॉट बना लिया है, ये स्लिप नॉट बना लिया है, तो ये यहाँ से एक लूप निकालेंगे, एक दो तीन चेन बना के ये दो चेन स्पेस है इसमें हम दो डबल क्रोशिया है, एक और ये दो, ओके। अब ये देखिए ये जो हमने टुगेदर बनाया था ये चेन है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस साइड पे हमारे पास दो चेन स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशिया, एक इस साइड पे हम दो डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सॉरी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया देखिए ये यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, आपको हम समझा दें। देखिए यहाँ इसमें एक लूप यहाँ से निकालेंगे, एक इस कॉर्नर से निकालेंगे, यहाँ पे कॉर्नर है तो एक कॉर्नर से निकालेंगे और एक लूप ये देखिए ये इस ये ऊपर जो डबल क्रोशिया जा रहा है यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए
पहले हम यार्न को ओवर करेंगे, यार्न को ओवर करेंगे, एक लूप यहाँ से निकालेंगे, फिर क्रोशिया इसमें डालेंगे, इसमें से एक लूप निकालेंगे, अब क्रोशिया इसमें डालेंगे, एक लूप इसमें से निकालेंगे, पहले हम चार लूप से निकालेंगे फिर दो लूप से। तो ये तीन लूप एक साथ करके हमने ये बनाया है। अब देखिए ये है, ये डबल क्रोशिया, ये भी एक डबल क्रोशिया, तो हमने एक साथ बनाया, एक डबल क्रोशिया इस साइड बनाया, फिर तीन को एक साथ बनाया, अब एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ लाइन पर जितने डबल क्रोशिया हैं, सभी डबल क्रोशिया पे दो दो डबल क्रोशिया। तो देखिए ये देखिए यहाँ टुगेदर बनाया है, तो ये देखिए पहले हम इसमें क्रोशिया डालेंगे, ये तीन टुगेदर है, तो ये एक इसमें जो टुगेदर किया है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, इस पर दो डबल क्रोशिया, एक दो, ये भी डबल क्रोशिया, इस पे भी दो डबल क्रोशिया, एक और दो, ये देखिए एक डबल क्रोशिया ये है, इस पे भी दो डबल क्रोशिया, एक, ये दो, ये देखिए तीन टुगेदर है, ये तो टुगेदर पे पूरा नहीं आता, तो देखिए ये पहले एक यहाँ करके एक ऐसे ये डबल क्रोशिया बना लेंगे, और ये टुगेदर है तो ये टुगेदर के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो दो डबल क्रोशिया यहाँ पर भी हो गया। अब ये फिर दो डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, तो हमें सभी देखिए सभी डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया इस पर भी दो डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया इस पर भी दो डबल क्रोशिया, यहाँ टुगेदर पर हम करेंगे, एक यहाँ बनाएंगे एक यहाँ बनाएंगे। ओके, और पूरा रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, पूरे में इसी तरह बनाते हुए लेके आएंगे, फिर यहाँ पर सेम वही करेंगे जिसे हमने यहाँ पे किया था। पहले हम इस वाले में, लास्ट वाले में पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यार्न को ओवर करके इसमें से एक लूप निकालेंगे, इस कॉर्नर से एक लूप निकालेंगे, और इस साइड से भी एक लूप निकालेंगे, चार लूप को एक साथ निकाल के दो लूप को एक साथ निकालेंगे। पूरा हम इतना बना लेते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से बनाते हुए देखिए इस साइड भी हमने सभी डबल क्रोशिया पे दो दो डबल क्रोशिया बनाया है, और देखिए यहाँ पर हमने देखिए इस लूप से निकाला है, ये बीच में से निकाला, फिर यहाँ से एक एक लूप निकाल के चार लूप निकाल के फिर दो लूप निकाला है। देखिए जैसे इस साइड हमने कॉर्नर पे बनाया था, ये सेम उसी तरह यहाँ पर भी हमने बनाया है। ओके, और फिर देखिए यहाँ पर देखिए फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बना के इसमें देखिए जो टुगेदर बनाया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ये दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, ये दो चैन स्पेस पे। अब देखिए यहाँ हम स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे, ये देखिए देखिए तीन चैन बना के यहाँ स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ से तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे। अभी इस यहाँ पर हम बनाएंगे एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट, ये क्रोशिया डालेंगे और यहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट, दो लूप से निकालेंगे दो लूप से, ये फ्रंट पोस्ट ये क्रोशिया को आगे से डालेंगे, यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दो लूप से निकालेंगे दो लूप से, ये फ्रंट पोस्ट हो गया, फिर एक बैक पोस्ट क्रोशिया को पीछे से डालेंगे और ये बैक पोस्ट बना लेंगे, क्रोशिया को आगे से डालेंगे, ये फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर क्रोशिया को पीछे से डालेंगे, ये बैक पोस्ट बना लेंगे, क्रोशिया को आगे से डालेंगे, ये फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, ये यहाँ पे क्रोशिया को हम देखिए अब ये दो लूप में एक साथ डालेंगे, यहाँ पे हमें एक डिक्रीज कर देंगे, तो दो डबल क्रोशिया दोनों पर एक साथ डालेंगे तो एक डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ दो पे एक साथ पहले दो लूप से निकालेंगे फिर दो लूप से, तो ये दो को एक साथ बना दिया तो एक डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ बैक लूप से एक बैक पोस्ट बना लेंगे, ये एक फ्रंट पोस्ट, फिर ये एक बैक पोस्ट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हम बना के ले आए एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, बैक तो ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। अब देखिए क्रोशिया को यहाँ दो डबल क्रोशिया में एक साथ डालेंगे, यहाँ पर भी एक डिक्रीज कर देंगे तो दो में एक साथ डाल के ये एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर इसको एक बैक पोस्ट, तो फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ तक हम फिर बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। ये देखिए ये ज्वाइंट है, तो फिर हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया एक साथ फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया, एक ज्वाइंट के इस साइड बनाएंगे एक ज्वाइंट के इस साइड, एक डिक्रीज यहाँ होएगा एक डिक्रीज यहाँ होएगा, तो पूरा हम यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया तो ये यहाँ पर एक डिक्रीज हो गया। अब देखिए ज्वाइंट के देखिए ये यहाँ पर ज्वाइंट है, तो अब ज्वाइंट के इस साइड भी हम देखिए दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे तो ये भी एक डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से एक बैक पोस्ट बनाएंगे,
और एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और फिर यहाँ पर आके एक डिक्रीज यहाँ पर करेंगे और एक डिक्रीज यहाँ कर देंगे। देखिए इस कॉर्नर पे एक डिक्रीज यहाँ कर देंगे तो देखिए तीन तीन हमारे इस साइड हो जाएगा और तीन इस साइड हो जाएगा। तो हम इतना कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए तीसरा रो कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारा फ्रंट पोस्ट आया, यहाँ भी फ्रंट पोस्ट है तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे। यहाँ जो ये वाला बैक पोस्ट है इसमें क्रोशिया डाल के यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ से हम बनाएंगे तीन चेन, एक दो तीन। तो यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। ये फ्रंट पोस्ट है तो इस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये बैक पोस्ट है तो इस पर क्रोशिया पीछे से डाल के बैक पोस्ट बनाएंगे। और ये फ्रंट पोस्ट है तो ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ हमें डिक्रीज नहीं करना है, ये तीसरा रो है इस पर डिक्रीज नहीं करेंगे। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। तो पूरा हम इसको इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तीसरा वाला रो। ये देखिए तीसरा रो हमने ये पे बनाया, फ्रंट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। तो पूरा हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए लास्ट में देखिए हम इसको देखिए ये लास्ट में फ्रंट पोस्ट है तो ये बैक पोस्ट बनाना है। तो इस पे हम इसको ऐड करेंगे तो ऐसे क्रोशिया को ऐसे डालेंगे, ऐसे डाल के इसे हम ये यहाँ से ऐड कर देंगे। एक चेन बना के इसको हम यहीं से कट कर देंगे। अब देखिए देखिए हम यहाँ पर ये तीन रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके ऊपर बनाएंगे इससे इससे ये स्लिप स्टिच है, ये इस स्लिप स्टिच को इसमें डालेंगे और यहाँ से एक लूप निकालेंगे। एक और दो, दो चेन बना के देखिए नेक्स्ट चेन यार्न को ओवर करेंगे और इस चेन में क्रोशिया डालेंगे और तीन लूप को एक साथ निकालेंगे। इसे हम कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। फिर यार्न को ओवर करेंगे, इस चेन में क्रोशिया डालेंगे, तीनों लूप को एक साथ निकालेंगे। फिर यार्न को ओवर करेंगे, इस चेन में क्रोशिया डालेंगे, तीनों लूप को एक साथ निकालेंगे। यान को ओवर करेंगे, इसमें क्रोशिया डालेंगे, तीनों लूप को एक साथ निकालेंगे। यान को ओवर करेंगे, इसमें क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमको सभी चैन पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम सभी चैन पर एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। सभी पे हाफ डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर हम इस चैन से सिर्फ स्टिच से ऐड कर देंगे। तो इसको फिर हम पूरा बना कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए आर्म होल कम्प्लीट हो गया। इसी तरह हम दूसरा का आर्म होल भी रेडी कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।